सभी देशवासियों को नमस्कार। आप सभी को पता है हम भारत की बेटियों की लड़ाई पिछले 28 दिन से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हल नहीं हुआ इस चीज़ में। अभी इन बेटियों को न्याय नहीं मिला है। तो हमने एक महीना होने पर 23 तारीख को हमने कैंडल मार्च निकाल रहे हैं जो कि इंडिया गेट पर है। तो सभी से आपसे अनुरोध है पूरे देशवासियों से ज़्यादा संख्या में आए और इन बेटियों को हौसला दे, इनका साथ दे, जो इन्हें न्याय मिल जाए। लगभग एक महीना पूरा होने को है, लेकिन महिला पहलवान खिलाड़ी अभी भी जंतर मंतर पर डटी हुई हैं और लगातार ब्रजभूषण सरन सिंह की गिरफ्तारी और यहां पर WFI पद से हटने को लेकर महिला पहलवान खिलाड़ी अपने हौसले बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आपको बता दें कि यहाँ पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवान यहाँ पर ब्रजभूषण सरन सिंह के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि खाप पंचायत पहुँचती है, किसान पहुँचते हैं, विपक्षी दल पहुँचते हैं और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हल्ला बोलते हैं और बखूबी यहाँ पर उनके हौसले और बढ़ाते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ साथ आज फिर यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा महिला पहलवान खिलाड़ियों के जरिए, जिसमें आम जनता भी शामिल होती हुई नजर आएगी और शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाला जाएगा और यहाँ पर कई सबूत ब्रजभूषण सरन सिंह के खिलाफ दिखाए जाएंगे। ये साबित करते हैं कि यहाँ पर आप कितनी भी डराने की कोशिशें कर ले, आपको बता दें कि कमेटी के जरिए यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को धमकाया गया था, उनको रिश्वत दी गई थी, यहाँ तक कि जो नाबालिग शिकायत करता है उनके परिवार वालों को धमकाया गया था, बाकायदा स्कूल पहुंचकर तमाम चीज़ें की गई थी ताकि यहाँ पर पॉक्सो के एक्ट के तहत यहाँ पर ब्रजभूषण सरन सिंह की गिरफ्तारी ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी डटी हुई हैं। आज कैंडल मार्च निकाला जाएगा और इस मार्च के जरिए आप ये भी देख सकते हैं कि जब भी आंदोलन होता है उस आंदोलन को बिगाड़ने के लिए, उस प्रदर्शन को खराब करने के लिए शांतिपूर्वक जो कैंडल मार्च निकाला जाता है उसे कहीं ना कहीं बाधित करने के लिए तमाम हटकंडे सरकार द्वारा आजमाए जा चुके हैं। ये आपने CNRC के वक्त पे देखा होगा, ये आपने किसान आंदोलन के दौरान देखा होगा। जब भी ये जत्था जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे गुट इन आंदोलन में शामिल हो जाते हैं जो प्रदर्शन को बेकार करने के लिए तमाम कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। इसलिए यहाँ पर बजरंग पुनिया के तहत ये बयान जारी किया गया है कि हम शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालेंगे, लेकिन अगर इसमें कुछ भी बाधा आती है तो उसमें वो उनके जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाएगी ब्रजभूषण सरन सिंह के आदमियों के जरिए। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या कैंडल मार्च वाकई शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाएगा या फिर यहाँ पर फिर से ब्रजभूषण की साजिश कामयाब हो पाएगी। क्या है आपकी राय?